फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, वेलकम टू योर चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी फ्रेंड्स, जिसको निश्चित तौर पे फर्स्ट एड के रूप में हमको आपको अपने घर में रखनी चाहिए। कब किसको क्या आवश्यकता पड़ जाए ये नहीं जाना जाता। खान पान, रहन सहन, कभी किसी को उल्टी हो रही, किसी को लूज मोशन शुरू हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक समस्या हो गई, ऐसे कंडीशन के लिए आपको 4-5 रेमेडी जरूर रखनी चाहिए। ये फर्स्ट एड के रूप में हर घर में रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम पहले नाम बता देते हैं कौन कौन सी, जैसे पोडोफाइलम है, इपिकॉक है, रस्टक्स है। इसके साथ साथ आप रख सकते हैं कार्बोवेज, बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है लोगों को, सिनकोना है, इसको रख सकते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो रेमेडीज हैं, जैसे कि S1 है, S10 है, S12 है, और इसके साथ C5, C1, C2 आदि, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। इनको घर में रखें और थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखेंगे तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की समस्या में आप अपने आप को तत्काल बचा लेंगे, और जो आप किसी हॉस्पिटल में जाके लंबा पैसा खर्च होने वाला था उससे आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम अपने पॉइंट में आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसी कड़ी में फ्रेंड्स पोडोफाइलम पेल्टाटम के ऊपर। ये प्लांट किंगडम की रेमेडी है फ्रेंड्स। इसका लक्षण क्या है, ये काम करती है वॉर्म्स के ऊपर। अगर पेट के अंदर कोई कीड़े हैं और उसके इन्फेक्शन के बाद पेट में खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको दस्त जा रही है लेकिन पेट में दर्द नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस जो रेमेडी है ये हमारे पास पोडोफाइलम है फ्रेंड्स। इसका जो सिम्टम है कि पेट में बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट होगी और उसके साथ साथ दस्त आएगा, लेकिन दस्त वो दस्त सुबह से लेकर करीब 12 बजे दिन तक रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, अगले दिन पुनः शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा सिम्टम्स किसी में है तो आपको पोडोफाइलम को याद करना चाहिए। लेकिन अगर दर्द भी है, दस्त भी जा रही है और नोजिया के भी सिम्टम्स हैं, तब आपको फ्रेंड्स इपिकॉक को याद करना चाहिए फ्रेंड्स। इपिकॉकुलम वो बहुत बेहतरीन काम करेगी फ्रेंड्स। इसका लक्षण ये है कि इसका जो पेशेंट होगा उसको मल बहुत ज़्यादा, मतलब दस्त में इतना ज़्यादा उसको दस्त जाएगा कि पेशेंट खुद सोचेगा कि यार मैंने तो कुछ खाया नहीं लेकिन इतना ज़्यादा बार बार निकल कैसे रहा है। जाएगा दस्त, उसको लगेगा पूरा पेट खाली हो गया, लेकिन कुछ देर बाद जब पुनः दस्त लगेगी तो पुनः उतना ही निकलेगा, यानी पूरी जो आंतें हैं उसमें जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलना शुरू हो जाता है, बार बार उतने ज़्यादा उसको दस्त की जो मात्रा होती है वो देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। लेकिन दर्द नहीं होगा, गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, ऐसे सिम्टम्स फ्रेंड्स देखने को अगर मिलते हैं। इसके साथ साथ जो मल है यानी दस्त है उसका जो कलर रहेगा फ्रेंड्स, उसका हरा भी हो सकता है, यानी कि ग्रीन हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन दर्द नहीं रहेगा। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको पोडोफाइलम देना चाहिए फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगर दस्त नहीं रुक रहा है और बार बार लंबे समय तक जा रहा है, दर्द भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है और मड़ोर भी अगर है, तो एग्ले फोलिया और एग्ले मारमेरस को भी आपको याद करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर किसी को खान पान की वजह से, जैसे नॉनवेज खा लिए हैं, ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, तो आपको नक्स लेना चाहिए। नक्स का मदर टिंचर इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम करता है फ्रेंड्स। इसको फर्स्ट एड के रूप में हर इंसान को अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि खान पान आए दिन गड़बड़ होते रहते हैं, टकार आ रही है, पेट भारी हो गया, सूज गया, उसमें आपको नक्स भूमिका का मदर टिंचर याद करना चाहिए और पेशेंट को देना चाहिए। 5 से 10 बूंद 20 बूंद जैसा पेशेंट की एज है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। दवा कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए फ्रेंड्स, वो पेशेंट के उम्र के हिसाब से और उसके शरीर के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। इसलिए हम यहाँ से किसी को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप इतने ही बूंद लें, क्योंकि हर इंसान का जैसे सेक्स है, एज है, वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने डॉक्टर से, या कि अगर आप जानकार हैं तो आप अपने आप से कंसल्ट कर सकते हैं, या कि फिर आप हमसे भी कंसल्ट करके ही दवा लें तो आपको बेहतरीन रहेगा फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन एक सिंपल सी बात ये बताना चाहते हैं कि एडल्ट है तो उसको 15 से 20 बूंद मदर टिंचर लेना चाहिए, डाइल्यूशन को लगभग 4 से 5 बूंद लेना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो कॉमन रेशियो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि अगर किसी को ऐसी समस्या होगी, उसका दस्त लंबे समय से नहीं बंद हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि आपको इपिकॉक अगर उल्टी जैसे लक्षण है और दस्त भी जा रही है और पेट में दर्द भी है, तो इसके साथ फ्रेंड्स अगर दस्त बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रही है, सुबह से 12 बजे दिन तक जा रहा है, दर्द नहीं हो रहा है लेकिन घड़घड़ाहट की आवाज़ है, उस कंडीशन में आपको पोडोफाइलम को याद करना है। और दस्त लंबे समय तक अगर बंद ही नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आपको एग्ले फोलिया और एग्ले मारमेरस को याद करना है, जो ये बेल से तैयार होता है फ्रेंड्स, एक पत्ती से और एक फल से तैयार होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे नेचुरल तरीके से लोग अपने आप को बचा के रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। नमस्कार, बाय बाय।